अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं उनकी मैकेनिज्म। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट जो मैंने ली है वो है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1। एक अणु को नाभिक उसने ही प्रतिस्थापन। तो देखो बच्चों, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एल्काइल हैलाइड का, उसमें जो मैकेनिज्म यूज होती हैं मेनली आप टू टाइप्स की देखोगे, एक तो है SN1 और एक है SN2। पहले हम यहां पर किसको डिस्कस कर रहे हैं, SN1। तो देखो ये जो मैकेनिज्म है मेनली गिवन बाय टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं हैलाइड में उनमें मिलती है। समझ गए बच्चों कि ये मेनली किस में दिखती है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, बेंजाइल हैलाइड्स या फिर एलाइल हैलाइड्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप देखोगे जो SN1 जो मैकेनिज्म है उसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकैटायन, और जिन एल्काइल हैलाइड्स या जिन रिएक्टेंट्स में स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वही क्या करेंगे, SN1 मैकेनिज्म को शो करते हैं। तो मेनली टर्शियरी एल्काइल हैलाइड कार्बोकैटायन बनाता है, एलाइल हैलाइड कार्बोकैटायन बनाता है जो कि रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है, और जो बेंजाइल हैलाइड है वो भी कार्बोकैटायन बनाता है जो रेजोनेंस के कारण। इसके अलावा ऐसा कोई भी हैलाइड, ठीक है, ये मैकेनिज्म शो कर सकता है जिसमें बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल हो। आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो यही मैंने यहां कर दिया है कि गिवन बाय टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स, तो बन गए बच्चों एलाइल हैलाइड्स और बेंजाइल हैलाइड्स एक्सेट्रा। ये मुख्यतः तृतीय एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजीन हैलाइड से दर्शाया जाता है। अब आप देखोगे कि इसके टू स्टेप्स होते हैं, जो SN1 रिएक्शन है मैकेनिज्म है वो टू स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला जो स्टेप होता है वो होता है इसमें क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। समझ गए बच्चों, पहला स्टेप जो है ये है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहां पर सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए एक पोलर मीडियम चाहिए, तो यहां पर हमें क्या लेना होता है, पोलर मीडियम जो सॉल्वेंट होगा लाइक एज H2O, ठीक है, एल्कोहल्स, इस तरह के हमें मीडियम को रखना होता है। तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और यहां पर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट मींस क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और ये स्लो स्टेप है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकिंग होना एक स्लो स्टेप होता है। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता है ये है जो है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही कार्बोकैटायन बना न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो ये फास्ट, तो इसमें जो रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप है बच्चों वो इस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है और इसकी स्टेबिलिटी। तो ये आप देख रहे हैं कि केवल एक ही मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है, अभिक्रिया को निर्धारित कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये मैकेनिज्म। ओके, इसकी काइनेटिक्स जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर और यूनिमोलिकुलर एक आणविक। यहां पर इतना सा ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड साइज ऑफ हैलोजन। जितना बड़ा साइज का हैलोजन होगा उतनी फास्ट चलेगा ये रेट, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा उतना ही फास्ट रेट होगा SN1 का। वैसे भी मैंने इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी डिटेल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो एक चैप्टर दिया है, मैंने पूरा एक लेक्चर तैयार किया है उसमें देखें GOC। फिर भी यहाँ पर हम एक बार और रिवाइज करते हैं, एक बार और डिस्कस करते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब आप इसमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आ जाए, ये है आपके पास एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में
जो है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, इनके बीच में कोलिजन हुआ, मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्ट्राइक करके और कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर पहुंच गए अपनी एक्टिवेटेड स्टेट पर। समझ गए ना बच्चों, ये क्या बन गए, एक्टिवेटेड स्टेट, ना तो ये अपेरेंट है ना प्रोडक्ट। मतलब ये जो बॉन्ड है ब्रेकिंग की कंडीशन में होगा और ये हाईएस्ट एनर्जी वाली स्टेट होगी। तो ये यहाँ पर क्या है हमारा TS1, और जैसे ही हैलाइड रिमूव हुआ और ये बन गया क्या कार्बोकैटाइन। ये जो कार्बोकैटाइन बना इसकी एनर्जी कम होगी इसके स्टेट एक्टिवेटेड स्टेट। फिर जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर आ गई TS2 और एक ट्रांजिशन स्टेट और बन गई हमारी, लेकिन इसकी एनर्जी से कम है और कुछ ही समय में ये किसमें चेंज हो गया प्रोडक्ट में, तो इसकी एनर्जी जो है आप देख रहे हैं इससे कहीं कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीक बॉन्ड था, अब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। न्यूक्लियोफाइल जो आता है वो इस एक्स से लीविंग ग्रुप से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इस तरह से हमारा ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो यहाँ पर TS1 की जो एनर्जी है TS2 है, तो TS1 ही यहाँ पर क्या है जो RDS रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप। तो ये चीजें तो आप पहले भी देख चुके हैं। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स बता दूं, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं। कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं मैंने वैसे भी SN1 के बारे में, आप वहां से भी अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर मैंने एल्काइलेट लेकर भी पूरा समझाया है। तो देखो अगर आप ऑर्डर पूछ लिया जाए कि रेट्स का, कि ऑर्डर ऑफ ठीक है रेट SN1 के लिए क्या क्या ऑर्डर्स हैं, तो यहां से देखें। पहली बात पे ध्यान रखना है कि 1 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री से ज्यादा थ्री डिग्री से ज्यादा एलाइल, एलाइल से ज्यादा बेंजाइल, ठीक है हैलाइड्स, ऐसा मिलता है। समझ गए बच्चों कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इनसे ज्यादा कहीं फास्ट 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से एलाइल बेंजाइल। अब देखो यहां पर सपोज ये है हमारे पास CH3 CH2 CN CH3 होल ट्वाइस CH। तो यहां पर मैं अभी एल्काइल ग्रुप दूसरा रख दूं, मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा और ऑर्डर है। इसके रिस्पेक्ट में देखो यहां पर है R X, फिर R CH2 X, R2 CH X, R3 CX, ओके फिर है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 X, इनसे ज्यादा हो जाएगा C6H5 CH2X। अगर एलाई ग्रुप ही दे रखे हो केवल इनमें ऑर्डर पूछा गया हो तो ध्यान रखें ये 1 डिग्री एलाई है, इससे ज्यादा किसमें हो जाएगा बच्चों 2 डिग्री एलाई में, ओके और इससे ज्यादा होगा C6H2 CH2 डबल बॉन्ड CH R R X। ये 2 डिग्री एलाई है और ये है 3। जस्ट ऐसा ही देखो C6H5 CH2X, इससे ज्यादा फास्ट होगा C6 होल ट्वाइस CHX, इससे ज्यादा है C6 होल थ्राइस CX। ये 1 डिग्री बेंजाइल है, ये 2 डिग्री बेंजाइल है और ये 3 डिग्री बेंजाइल है। ये किसके रेट है बच्चों SN1। यहां पर जो R ग्रुप है, समझ गए ना कि यहां पर जब हम R ग्रुप ले रहे हैं तो ये है R = CH3। नो यहाँ पर R को हम यहाँ पर पहले तो ये ध्यान रखें कि ये जो R ग्रुप है ये ले सकते हो, हमारे पास है R C2H5, तब ये ऑर्डर मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो तो उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान से देखें ये थोड़ा अलग है बच्चों। अगर हम इनमें आ रहे हैं कि CH3Cl, इससे ज्यादा है CH3, ओके CH2Cl, तो यहां ध्यान रखें R ग्रुप मैंने ये रखा है C2H5। अब यहां पर अगर R = में यहां पर क्या रख दूं CH3, तो देखो क्या ऑर्डर मिलता है CH3 होल ट्वाइस CH X या Cl ले, फिर इससे ज्यादा है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इससे ज्यादा है C6H5 CH2Cl और फिर इससे कहीं ज्यादा है टर्शियरी। अभी आया भी था एक क्वेश्चन कि किस रेडिकल का तो जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो ध्यान रखें टर्शियरी कार्बोकैटायन में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप की जो कार्बोकैटायन बनता है वो सबसे ज्यादा, इनसे कहीं ज्यादा स्टेबल। रीजन है हाई
हाइपर कॉन्जुगेशन मिलना, बहुत ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसके 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और इससे बनने वाला कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, कहीं इनसे कहीं जाता। और यही रीजन है कि जो टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड है, क्लोराइड है, वो बेंजाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड इनसे कहीं ज्यादा फास्ट रिएक्शन देता। अब यहाँ पर अगर हम एथाइल ग्रुप कर देते हैं बच्चों को, तो इनमें उतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगा, और ऐसे में टर्शियरी जो ग्रुप है हैलाइड है वो बेंजाइल से या एलाइल से कम रहता है। बट अगर आपने यहाँ CH3 दिया टर्शियरी ब्यूटाइल, तो वो इनसे कहीं ज्यादा रिएक्टिव है। रीजन है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप में हाइपर कॉन्जुगेशन का मिलना। तो ये तो एल्काइल ग्रुप के नेचर पे है, और भी बहुत सारे आपको देखोगे हैलाइड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ लिख दिया CH2Cl, ओके, तो इससे ज्यादा आप देखोगे इसमें रेट मिलेगा आपको ऐसे, इसमें कहीं ज्यादा फास्ट सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक है सर। यहाँ पर अगर हम ये ले लें Cl, तो इससे कहीं ज्यादा फास्ट इसमें होगा और इससे कम किसमें होगा बच्चों, इसमें। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सीधा सा देखना है, अगर आप कार्बोकैटायन का ऑर्डर जानते हैं स्टेबिलिटी का, तो बहुत इजी गोइंग समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हैलोजन की उस पे बेस कर दिया गया हो तो R3Cl, R2CH, ठीक है, R3CCl, R3CbR और R3 यहां पर क्या आई, इस ऑर्डर में भी हैलोजन में SN1 का रेट इंक्रीज होता है। तो यहां तक समझ गए होंगे। एक होता है कि जो SN1 है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट जो है, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट पॉसिबल। ये तो बात समझ रहे हो कि जो कार्बोकैटायन बनते हैं, कार्बोकैटायन अपने आपको फर्स्ट डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3, मतलब आपको इस तरह से अगर रिएक्शन दी गई है CH3 और HCH2, ये है Cl और CH3, और आपने देखा कि आपके पास ये प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है Cl निकलने के बाद, और ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे ये है CH3 और CH3HCHNO और CH3, तो ये एक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है। इसमें कार्बोकैटायन जब बना होगा तो CH3CH3HCH2+ और CH3 2 डिग्री से तुरंत हाइड्राइड माइग्रेशन से इसमें चेंज हो गया, इसमें CH3 टर्शियरी में और यहां पॉजिटिव, और फिर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाता है। तो SN1 रिएक्शन में रीअरेंज्ड प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं एक ही रिएक्टेंट से, तो ये सब SN1 को ही बताते हैं और ये इनके ऑर्डर्स बताते हैं। यहां तक नोट कर, अब देखो बच्चों आपको क्या क्या ध्यान रखना है SN1 मैकेनिज्म के लिए। एक तो होना चाहिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की उच्च सांद्रता, क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा रेट उतना फास्ट चलेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मींस हमें गुड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट लेना है, अच्छा प्रोडक्ट की अमाउंट मिले, तो हमें SN1 में क्या क्या याद होना चाहिए। दूसरा है गुड लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप जो निकल रहा है वो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, मींस जैसे हम ये कहें कि ये इस तरह से जितना ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, जितनी कम बेसिसिटी होगी उतना ही फास्ट चलेगा ये SN1 मैकेनिज्म। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, उच्च त्रिविम बाधा, ध्यान रखें जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, वो उतने जल्दी अपने आप को स्ट्रेन लेस करने के लिए हैलाइड ग्रुप को निकालेगा, और कार्बोकैटायन इजी बनेगा, और इजी बनेगा तो SN1 मैकेनिज्म चलेगी। तो यही रीजन है कि प्राइमरी से लेकर आप देख रहे हैं टर्शियरी तक हेलो एल्केन्स में रिएक्टिविटी SN1 के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होती जाती है, क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाता है। मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही फास्ट SN1 चलेगा, उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट SN1 में बनेगा। प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, ये तो मैं पहले बता चुका हूं, SN1 में CX बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए बहुत जरूरी है कि पोलर प्रोटिक मीडियम हो, ताकि वो लिविंग ग्रुप को हाइड्रेटेड कर सके और उसे दोबारा जुड़ने से रोके। इसके अलावा जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है पोलर प्रोटिक मीडियम,
हाई से हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला होना चाहिए, ताकि उनके प्लस माइनस के बीच में जो लिविंग ग्रुप है और कार्बोकैटायन, इनके बीच में आयन पेयर इफेक्ट कम हो जाए। वीक न्यूक्लियोफाइल, जितना वीक न्यूक्लियोफाइल होगा ना बच्चों, वो उतना ही ज्यादा SN1 की तरफ शिफ्ट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है तो वो हैलाइड के निकलने से पहले ही अटैक कर देगा और उसमें SN2 मैकेनिज्म आ जाएगी। समझ गए ना? तो ये सारे पॉइंट्स अगर याद है आपको तो आप बता सकते हैं कि किस रिएक्शन में SN1 है और किसमें SN2। आप सीधा सा देखें, अगर आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिखता है, वीक न्यूक्लियोफाइल दिखता है, तो वहां पर मैकेनिज्म तुरंत बता दे SN1। प्रोडक्ट दो बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं तो SN1 होता है, ठीक है। यहां पर अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 बच्चों, ये वैसे भी मैंने डिटेल में बता दिया है, तो ये चलती है मैक्सिमम रेसिमाइजेशन। देखो बच्चों, 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता, समझ गए ना? एक क्वेश्चन होता है, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि SN1 में रेसिमाइजेशन होगा 100% मैक्सिमम, तो ध्यान रखें मैक्सिमम होता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयन पेयर इफेक्ट। ओके, तो मैं अभी बताता हूं। समझ गए बच्चों कि मैं ये बता रहा था आपको कि स्ट्रॉन्ग आयन पेयर इफेक्ट क्यों होता है। ये है, सपोज हमारे पास R1, ये है R2 और ये है R3 और ये है आयोनाइज्ड हुआ। ओके, जब आयोनाइज्ड हुआ ये ग्रुप, तो हम इसको ऐसा ले लें, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये है R3 और यहां पर ये भी कहता है। देखो बच्चों, ये जो होता है ना, अभी भी यहां पर एक प्रकार से अट्रैक्टेड रहता है, तो यहां पर ये कहलाता है, ठीक है, आयन पेयर इफेक्ट। अब यहां से न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां ये सपोज रेट जो है R1 है, ये R2 है। अब जब इस तरह की, तो आप देखोगे कि आपके पास ये हो गया R1 R2 और ये है R3, ये हो गया X, सब न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये मिरर इमेज बना दो। दूसरा, जब नीचे साइड से अगर हम ये कहें तो यहां से एक ये बन गया सुन R1 R2 और ये क्या हो गया R3, तो ये बन गए मिरर इमेज या इनान्शियोमर्स। ओके, ये अब देखो बच्चों, सपोज ये वाला प्रोडक्ट इसके कारण, मतलब अगर हम ये कहें कि ये इनमें से एक ये है और जो एक ये है, ये R1 से बना है, ये R2, तो यहां पर थोड़ा सा स्टैटिक हिंड्रेंस है। सपोज ये है 48%, तो ये कितना है 52%, मींस 48 मॉलिक्यूल इसके हैं, 52। तो यहां पर अगर हम रेशियोमाइजेशन की बात करें कि कितना होगा रेशियोमाइजेशन, तो 48% इसका, 48% इसका, तो 96% तो क्या हो गया रेशियोमाइजेशन, और जो 4% बचा वो क्या है इनवर्जन। मतलब इसमें जो 4 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है दोनों के रेशियोमाइजेशन के पर बात, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो R1 है उसके रिस्पेक्ट में R2 कहीं ज्यादा फास्ट हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा, और ऐसे में ये ज्यादा बना। तो यहां पर ध्यान रखें, SN1 में 100% रेशियोमाइजेशन नहीं हो पाता, मींस जितने ये मॉलिक्यूल उतने ये नहीं बनते। क्यों? क्योंकि अभी ये जो निकला हुआ ग्रुप एक्स है वो अभी भी उसी साइड में थोड़ा सा अट्रैक्टेड रहता है जहां से, जिस साइड से वो निकला है। ऐसे में न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से कम आ पाता है, इस तरफ से ज्यादा आता है, और इस तरह से हमारा क्या हो जाता है ये रिएक्शन। तो ध्यान रखें, कार्बोकैटायन जितना जल्दी प्रोडक्ट में चेंज होगा उतना ही कम रेशियोमाइल, उतना ही ज्यादा रेशियोमाइजेशन होगा। ओके, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही ज्यादा रेशियोमाइजेशन होगा, तो ये इफेक्ट पड़ता है रेशियोमाइजेशन। तो यह तो वैसे भी मैंने डिटेल में बताया है SN1। ओके, तो यहां तक अब देखो बच्चे।
देखिए अब हम आ जाते हैं दूसरा है इसमें क्या बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 द्वि अणु नामक स्नेही प्रतिस्थापन। तो मेनली गिवन बाय प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इन पोलर मीडियम ओके एल्कोहल कुछ भी हो और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ये DMSO DMF और THF इस तरह के या फिर एसीटोन इस तरह के मीडियम हैं तब मिलती है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है तो ये पहचानने का बेस है कि अगर हमको सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड दिया गया है और ये दे दिए गए हो सॉल्वेंट तो वहां पर SN2 होगी या प्राइमरी है तब तो हो गई ऐसे। आप जानते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या चलती है ठीक है एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन के साथ और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनना भी स्लो स्टेप है क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ना बच्चों बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है स्टेरिक हिंड्रेंस से। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनना बड़ा टफ होता है और यही रीजन है कि ये स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ पर जो रेट है ना देखोगे आप कि वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन और RX इन दोनों पर डिपेंड करता है तो जो इसकी ऑर्डर होती है वो हो जाएगी और इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ध्यान रखें यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट SP2 होती है। ऐसा क्यों क्योंकि ये केवल ये जो सिग्मा जो SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थी जब ये थोड़ा सा खुल जाती है तो ये अनहाइब्रिड स्टेट में आ गई। यहाँ पर SP3D2 इस तरह का कोई हाइब्रिड SP3D हाइब्रिडाइजेशन नहीं है भले ही दिखने में ऐसी लग रही है ट्राइगोनल देखिए बाई पैरामीटर बट यहाँ पर ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहती हैं ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती है। फिर आती है रिएक्शन फास्ट होती है और इस तरह से हैलाइड निकल गया और ये एक इनवर्ट प्रोडक्ट बनता है। समझिए ना ये क्या बन गया इनवर्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो है इनवर्जन होना यहाँ पर ये इनवर्जन के साथ चलता है। अब इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि मेनली अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा से प्रभावित होती है तो इसमें जो ऑर्डर मिलता है वो फर्स्ट डिग्री में सबसे ज्यादा पर 2 डिग्री में और कम 3 डिग्री में और है। और अगर हैलाइड के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ ले तो ये ऑर्डर चलता है फ्लोराइड से लेकर आयोडाइड तक बढ़ता जाता है। SN1 के लिए भी यही ऑर्डर मिलता है SN2 के लिए भी हैलाइड के रिस्पेक्ट में एक सा ऑर्डर है बट एल्काइल ग्रुप के नेचर के बेस पर जो ऑर्डर है बिल्कुल उल्टा है। तो जो ऑर्डर आप SN1 के लिए डिटरमाइन करें जस्ट उल्टा ऑर्डर लिख लें तो वो SN2 के लिए हो जाएगा। समझ गए ना तो इसे अब देखो बच्चों अगर आपको SN2 में कुछ पॉइंट्स अगर पूछे गए हो ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं कि SN2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट फेवरेबल कंडीशंस हैं तो ध्यान रखें SN2 के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो ये हैं एक तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्टेंट नाभिक स्नेही और अभिकारक दोनों की सांद्रताएं उच्च हो तो बहुत ही फास्ट रेट चलेगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए जैसे कि DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड टेट्राहाइड्रोफ्यूराइन डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड एसीटोन अगर इस तरह के आपको मीडियम लिखे हैं तो वहां पर SN2 मैकेनिज्म ही होगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो हैलाइड के निकलने का इंतजार ना करे हैलाइड निकले उससे पहले ही अटैक कर दे और एक ट्रांजिशन स्टेट बना ली तो ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही ज्यादा फास्ट SN2 होगा। लेस स्टेरिक हिंडरेंस जितनी कम त्रिविम बाधा जिसको जितना कम स्टेरिक हिंडरेंस होगा उतना ही फास्ट SN2 होगा। और इसका अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखोगे तो ये वन स्टेप रिएक्शन है जो कि ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन के साथ चलती है तो ये वन स्टेप का ग्राफ ये मिलेगा रिएक्शन प्रोग्रेस और पोटेंशियल एनर्जी का जबकि उसमें आपने देखा था SN1 में 2 स्टेप। तो यहां तक आप समझ गए होंगे इन्हें अब देखो बच्चों आपको ये रिएक्शंस दे दी मैंने ओके अब आप इन्हें क्लियर करें कि इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं इनके ऑर्डर्स क्या हैं देखो इनमें क्या क्या किसका पूछा है मैंने इसके तो प्रोडक्ट्स पूछे हैं इनमें ऑर्डर बताना है बच्चों इनमें क्या बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में SN1 के और SN2 के ऑर्डर कि SN1 का ऑर्डर क्या होगा और इन SN2 का ऑर्डर क्या होगा जस्ट ऐसा ही यहाँ ऐसा ही यहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स बताने हैं आपको इसके प्रोडक्ट्स बताने हैं इनमें
रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, इनके प्रोडक्ट्स बताने हैं, इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, इनके प्रोडक्ट्स बताना है, इनकी मैकेनिज्म बताना है कि यहाँ एस एन वन होगी या एस एन टू होगी और यहाँ के एस एन वन और एस एन टू प्रोडक्ट्स बताने। ओके, तो आप इनको करके देखो, आप देखोगे आपसे आ जाएंगे ये क्वेश्चंस। पहले भी खूब अच्छे से डिस्कस किया है मैंने, फिर दोबारा दे दिया मैंने आपको ये प्रैक्टिस के लिए। तो देखो आपको एक बार हिंट दे दूं मैं, आप इसको पहले करके देख लें फिर हिंट देखना, पहले आप खुद करके देख लें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक दिया है और डी एम एस हो, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म बतानी है आपको एस एन टू, जहाँ एस एन टू होती है ध्यान रखें वहाँ कभी भी मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। फिर से ये ध्यान रखें SN2 रिएक्शन में मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, जहां ये है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ओके, यहां और SN यहां पर होगी SN1, तो इसके दो प्रोडक्ट पॉसिबल है बच्चों, कार्बोकैटायन बनेगा और उसमें हाइड्राइड माइग्रेशन हो जाएगा, तो एक प्रोडक्ट तो मेजर ये होगा और दूसरा प्रोडक्ट कैसा होगा जो कि माइनर होगा और ये होगा जो कि रीअरेंजमेंट। तो ये रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट होगा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बोकैटायन में ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा हाइड्राइड माइग्रेशन से और ये टू प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। अब यहां पर आपको ऑर्डर बताना है SN1 का और SN2। तो देखो बच्चों अगर SN1 का ऑर्डर देखोगे तो आप ये ऑर्डर आएगा वी आर टर्शियरी वाली कंडीशन में है और फिर आपका ये है, और अगर SN2 का ऑर्डर पूछा है तो बिल्कुल जस्ट उल्टा बता दो आप। ओके, इसका मतलब है कि ये ऑर्डर होगा किसके लिए, SN2 के लिए और ये होगा SN1। इसमें आ जाओ तो देखो SN1 का ऑर्डर तो यहाँ कार्ब का टाइम इसके कारण ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये जो ऑर्डर होगा ये क्या होगा SN1 का, और इसका उल्टा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा SN2 का ऑर्डर। यहाँ देखो आप SN1 का ऑर्डर आपसे पूछा गया तो ये होगा कौन सा SN1 का, और अगर ये कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा SN2, क्यों, क्योंकि ये टर्शियरी है ये प्राइमरी है, तो टर्शियरी में SN1 फास्ट होगा और इसमें ये होगा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर DMSO की प्रेजेंस है तो आपको कोई भी अरेंजमेंट नहीं बताना, बस न्यूक्लियोफाइल ऐसा जोड़ देना है। H2O की प्रेजेंस में तो देखो बच्चों यहाँ पर कार्ब का टाइम बन जाएगा और वो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ टैग करेगा क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और एक यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, समझ गए ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन होगी। SN1 का मतलब है कि ये कार्ब का टाइम बनेगा, ये हाइड्राइड माइग्रेशन करेगा और ये पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ चाहे SN1 हो या SN2 ये ही घटेगा और कुछ भी नहीं बनेगा इसमें, तो यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियोफाइल आएगा दोनों क्योंकि और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर ऑर्डर पूछा है तो देखो बच्चों ये विनाइल हैलाइड है और ये एलिक हैलाइड है, तो हम जानते हैं कि इनमें ज्यादा फास्ट होगी ये कौन सी SN1 है, समझ गए ना। KOH की प्रेजेंस में अगर आप एक्वस ले रहे हैं और ये है तो देखो ये हटेगा। ओके, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा, फिर यहां से हाइड्राइड माइग्रेशन हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, देखो आप कि यहाँ पर आपको OH ग्रुप जुड़ा हुआ दिखेगा, यहाँ H है, इसका प्रोडक्ट आपसे पूछे तो एक यहाँ और एक यहाँ हो जाएगा, समझ गए ना। इस रिएक्शन यहाँ पर कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, अगर आप देखें तो ये अगर ये है SN1 का ऑर्डर और ऐसा कर दोगे तो SN2 का ऑर्डर। इसमें दोनों में ध्यान रखें बच्चों ये प्राइमरी कार्बन से हैलाइड जुड़े हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियोफाइल हो चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, मैकेनिज्म SN2 ही बतानी है, दोनों में प्राइमरी ठीक है, सॉरी यहाँ पर था इस तरह वाला, यहाँ पर ये प्राइमरी हैलाइड्स है, चाहे आप इसकी प्रेजेंस से पूछा हो ये दोनों में मैकेनिज्म एक ही होगी SN2 क्योंकि ये प्राइमरी। अब इसमें आता है बच्चों ये अलग है, ये है CD2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 Br। अगर मैं कहूँ SN1 मैकेनिज्म देनी है और न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है SN2, तो देखो SN1 में दो प्रोडक्ट पॉसिबल है CD2 डबल बॉन्ड CH CH2 Na, और एक हो सकता है CH2 CH CD2 और Na, क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें एक कार्बन कैटायन बन जाएगा ऐसा, सॉरी यहां पर CH होगा और CH2+, तो ये दो कार्बन कैटायन में चेंज हो जाएगा CD2 डबल बॉन्ड CH CH ऐसा,
समझ रहे हो? मैं यहाँ पर अच्छी तरह से समझा दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो एक बार यहाँ बता देता हूँ, आपसे पूछा गया है कि इसमें क्या प्रोडक्ट्स होंगे, CD2 double bond CH CH2 Br। अगर यहाँ पर SN1 दी गई है और यहाँ SN2, ओके, तो देखो बच्चों इसके प्रोडक्ट होंगे CD2 CH CH2 nucleophile और CH2 double bond CD2 nucleophile, जबकि इसका एक ही प्रोडक्ट होगा और वो होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, ना ही कार्बोकाइल बनेगा। ऐसा क्यों हुआ है देखो आप कि यहाँ पर बना होगा C2 CH CH2, ये दो फॉर्म में आ जाएगा, एक हो जाएगा CD2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और एक रेडिकल ये बन जाएगा। तो ऐसा होने के कारण ही दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाते हैं। तो ये थी हमारी SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और उनके मैकेनिज्म। और ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप VOC में जाओ, वहाँ पर देखो पूरा डिटेल में बताया है मैंने अच्छा खासा उसमें। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस में आए हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट लेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।